हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नोट्स। अच्छा, इसको प्रोवाइड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सोशल साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, आपको मैं वर्कशीट प्रोवाइड करती हूँ जहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और साथ ही मैं आपको जो भी चैप्टर्स होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी प्रोवाइड करती हूँ, सिलेबस प्रोवाइड करती हूँ, मैप भी आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो और फ्लो चार्ट हर चैप्टर का प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आपको बहुत ईजिली आपका चैप्टर समझ में भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो बिल्कुल देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या मेन पॉइंट है कि आप इस चैप्टर का नाम ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, तो बिल्कुल आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ोगे, तो वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है व्हाई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, क्यों डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि क्या होती है इंपॉर्टेंस इलेक्शंस की और व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग है जो कैपिटल लेटर्स में लिखी है, उसके अंदर जो भी है वो उसकी सब हेडिंग्स है, तो वो थोड़ा सा कंटेन करता है। पूरे के पूरे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है व्हाई डू मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो देखिए पहले आपके मेरिट्स के पॉइंट्स सारे के सारे मेंशन किए गए हैं, और इसके बाद है आपके डीमेरिट्स की पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं। नेक्स्ट है देखिए सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो देखिए पूरी पूरी सब हेडिंग्स हैं और उसके अंदर भी उसको एक्सप्लेन किया गया है हेडिंग को। फर्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेकंड है वोटर्स लिस्ट, नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स, फोर्थ है आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, फिफ्थ है फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स, देयर स्क्रूटनी, विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट। तो वो सब मेंशन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, सेवेंथ हेडिंग है आपके इशूइंग ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टोस, नेक्स्ट है कैंपेनिंग, नेक्स्ट है आपका वोटिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स,
नेक्स्ट है आपका फाइलिंग ऑफ इलेक्शन पेटिशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मेन हेडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड रेशनल बिहाइंड इट। और इसके अंदर भी देखिए 3 points हैं। इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, इट एस्टैब्लिशेस अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और थर्ड इट मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल। तो ये 3 आपकी सब हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट है आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है टेक्निक्स एंड मेथड्स एडॉप्टेड इन इलेक्शंस। क्या डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं इलेक्शंस में टू विन द इलेक्शंस, तो वो सारे मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, जो मेन टेक्निक्स हैं और जो मेन मेथड्स हैं। इट इज आपके हैं, फर्स्ट वन है पोस्टरिंग, सेकेंड इट इज मीटिंग्स, स्पीचेस है, प्रोसेशंस है, हाउस टू हाउस कैनवेसिंग है। फिर नेक्स्ट देखिए मेन हेडिंग आ रही है इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्रेट बैलोट। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड इट्स यूज। नेक्स्ट है सिंबल्स एंड देयर इम्पॉर्टेंस। देखिए क्या इंपॉर्टेंस होती है सिंबल्स की, वो सारा मेंशन किया गया है यहाँ पे। कौन है जो सिंबल्स को अलॉट करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो फर्स्ट बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन यू हैव द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए फंक्शंस में क्या क्या हैं। फर्स्ट इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इट मींस वोटर लिस्ट। सेकंड डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। थर्ड फिक्सिंग द इलेक्शन डेट्स। फोर्थ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। फिफ्थ अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। सिक्स प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स। सेवन होल्डिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। नेक्स्ट इट इज चेकिंग एंड ड्यू अनडू इंटरफेरेंस ऑफ द पार्टी इन पावर। नाउ नेक्स्ट मेन हेडिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ से भी आपका 3 marks का क्वेश्चन आराम से बन जाता है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरिंग पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इसके बाद आपका आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। नेक्स्ट है इलेक्शन पेटिशंस। तो आई होप ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और साथ ही इसी तरह के और नोट्स देखने के लिए
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।